नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित सुखी डाली एकांकी नाटक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस एकांकी नाटक को चार भागों में बांटा है। पार्ट वन वीडियो में मैं इस एकांकी नाटक का सार या सारांश या कथानक या कथावस्तु, पार्ट टू वीडियो में एकांकी कला की दृष्टि से सुखी डाली एकांकी नाटक की समीक्षा, पार्ट थ्री वीडियो में इस एकांकी नाटक का उद्देश्य या संदेश तथा पार्ट फोर यानी अंतिम वीडियो में मैं इस एकांकी नाटक का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं इस एकांकी नाटक का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को पार्ट वन वीडियो के रूप में आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित सुखी डाली एकांकी नाटक का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु। आइए सबसे पहले मैं इस एकांकी नाटक में कुल कितने पात्र हैं, कुल कितने पुरुष पात्र हैं तथा कुल कितने स्त्री पात्र हैं, मैं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, ताकि जब भी मैं इस एकांकी नाटक का सार या सारांश आपको बतलाऊँ, सारांश समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पात्र परिचय। पुरुष पात्र: दादा मूलराज, कर्मचंद, परेश, भासी, मल्लू। स्त्री पात्र: बेला यानी छोटी बहू, छोटी भाभी यानी बेला की सास यानी इंदु की माँ, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, मंझली बहू, बड़ी बहू, पारो, रजवा यानी मिस्रानी। पात्र परिचय के बाद अब मैं इस एकांकी नाटक का सार या सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों में उपेंद्रनाथ अस्क जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि के कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार तथा एक श्रेष्ठ एकांकीकार व कवि आदि रूपों में भी हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। सुखी डाली इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर तथा बहुचर्चित एकांकी नाटक है। सच पूछा जाए तो यह एक सामाजिक यथार्थवादी एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक की मूल कथा या कथानक एक संयुक्त परिवार की कथा है। इस एकांकी नाटक के माध्यम से एकांकीकार ने संयुक्त परिवार की समस्या को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। अतः यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी एकांकी नाटक है। आधुनिक युग में नई पीढ़ी के लोग भले ही तानाशाही शासन व्यवस्था को ठीक न समझें, उसकी बराबर निंदा
वह आलोचना करें, पर परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए यही तरीका उपयुक्त है, जो चरित्र इस एकांकी नाटक में दादाजी ने निभाया है। एक संयुक्त परिवार को एक माला के रूप में पिरोकर रखने का यही उत्तम तरीका है। इस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। दादा मूलराज अपने परिवार को अपनी सूझबूझ के साथ टूटने से बचा लेते हैं। दादा मूलराज एक खाते पीते घर के तथा एक बहुत बड़े परिवार के मुखिया हैं। परिवार में उनकी बड़ी इज्जत तथा सम्मान है। दादा मूलराज 72 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति हैं। कहने का अर्थ यह है कि दादा मूलराज आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक झुका नहीं है तथा उनके विचार और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी सफेद दाढ़ी ऐसी जान पड़ती है मानो वट वृक्ष की लंबी लंबी जटाएं हों, अर्थात वट वृक्ष की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी सफेद दाढ़ी नाभि को छूती हुई ऐसे जान पड़ती है मानो धरती को छू लेने का प्रण किए हुए हों। दादाजी का बड़ा लड़का सन 1914 ईस्वी के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए शहीद हो गया है। इसके बदले में सरकार ने उन्हें एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा मूलराज सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे, बल्कि अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से उन्होंने एक के 10 मुरब्बे जमीन या संपत्ति बना लिए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की बेला के साथ हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार होना और उनकी छोटी पतहू का सुशिक्षित होना इस परिवार के लिए अपने आप में 2 महत्वपूर्ण बातें थी, जिसके फलस्वरूप गांव में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। गांव में उनका और भी आदर होने लगा, किंतु इसके साथ ही साथ उनके परिवार में एक संकट भी उपस्थित हो गया। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, ये महिलाएं बिल्कुल सीधी सादी सरल महिलाएं हैं। जो भी हो, 2 बेटे, 3 बहुएं तथा बहू और तो और पोते पोतियों से भरा हुआ इनका एक सम्मिलित परिवार है। इस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे होते हैं। अब तक इस घर में पोती इंदु ही, जिसने केवल प्राइमरी स्कूल में ही बड़ी सफलता पूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादाजी अपनी इस पोती से बहुत अधिक
प्यार भी करते हैं, किंतु अचानक परेश की पत्नी अर्थात एक ग्रेजुएट पतहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है के आ जाने से कुटुंब के इस तालाब में एक इस प्रकार लहर सी उठने लगती है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। ऐसे तो दादा मूलराज का यह परिवार अब तक सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त और संपन्न परिवार की बेटी बेला के इस घर में बहू के रूप में आ जाने से इस परिवार की शांति भंग होती हुई जान पड़ती है। कारण वह एक आधुनिक विचारों की पढ़ी लिखी महिला है, उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग है। बेला को इस परिवार का रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कारण ये लोग पुराने विचारधारा के व्यक्ति हैं, घर का रहन सहन भी पुराने ढंग का है। बेला को यहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ न तो आधुनिक फर्नीचर है और न ही आचार व्यवहार में ही आधुनिकता झलकती है। वह हर बात में अपने पिता के घर का उदाहरण प्रस्तुत करती रहती है। बेला अपने पिता के घर की तुलना में इस घर को बिल्कुल तुच्छ समझती है, इसीलिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी बेला का रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेला में दर्प या अहंकार की मात्रा आवश्यकता से कुछ अधिक ही है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बेला का यह अहंकार या अशिष्ट व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दादा मूलराज संयुक्त परिवार में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। दादाजी ने इस परिवार को अब तक एक सूत्र में बांधकर रखा है। वे वट वृक्ष की कहानी से बहुत अधिक प्रभावित हैं, जो अपनी डालियों को साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। डालियां साथ रहती है तो वह हरी भरी रहती है, पेड़ से अलग होने के बाद वह सूख जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता है। दादाजी की स्थिति भी महान वटवृक्ष जैसी ही है। परिवार के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं तथा उनका कहना भी मानते हैं। उनका मत है कि परिवार भी एक विशाल वटवृक्ष की तरह होता है, जिसकी हर शाखा उसे संपन्नता प्रदान करती है और पेड़ से लगी रहकर ही हरी भरी बनी रहती है। वृक्ष से टूटी हुई डाली को चाहे जितना भी सींचा जाए, वह कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती है। बेला को यहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ न तो आधुनिक फर्नीचर है और न ही आचार व्यवहार में ही आधुनिकता झलकती है। एक दिन इसका अंदाजा कर्मचंद और परेश से लगते ही दादा मूलराज काफी चिंतित हो जाते हैं। दादा मूलराज को अब तक यही लग रहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक ही चल रहा है, परंतु बेला के विचार तथा व्यवहार को जानकर उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे उस वट वृक्ष की कोई डाल उससे अब अलग होना चाहती है। परिवार की बिगड़ती हुई हालत को देखकर दादा मूलराज बहुत ही घबरा जाते हैं तथा चिंतित भी हो जाते हैं। तत्काल दादा मूलराज
कर्मचंद और परेश को उपयुक्त उपदेश देकर तथा शेष चिंता उन पर छोड़कर चले जाने का आदेश देते हैं। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं लेकिन किसी का अलग होना नहीं सह सकते हैं और न ही देख सकते हैं। समस्या गंभीर न हो जाए इसीलिए एक दिन मौका निकालकर दादा मूलराज अपने परिवार के सभी सदस्यों को खासकर बेला को छोड़कर अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यह परिवार एक महान वट वृक्ष की तरह है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर अलग हो जाए। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का अपमान किया है, अनादर किया है, या उसकी हंसी उड़ाई है, या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा सदा के लिए टूट जाएगा। परिवार के सभी लोग दादाजी का बहुत ही आदर व सम्मान किया करते थे, इसीलिए दादाजी की बातों को मानकर घर के सभी सदस्य बेला को कोई काम नहीं करने देते हैं। परिवार के सभी सदस्य बेला के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। घर के सभी लोग उसे आदर देने लगते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के बाद बेला को उनका आदर सम्मान चुभने लगता है। धीरे धीरे उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि वह मानो इस परिवार में रहते हुए भी हर व्यक्ति से धीरे धीरे कटती जा रही है। वह एक तरह से अपरिचितों के बीच में ही आ गई है। परिवार के अन्य सदस्य उसे दंभी समझने लगते हैं, जबकि बेला ऐसे नहीं है। बेला तो सबके साथ हंसना बोलना तथा काम करना चाहती थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति न तो उसके मनोभावों को समझता है और न ही उसे कोई कार्य करने ही देता है। धीरे धीरे बेला घर के इस वातावरण से ऊब जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह इस घर के लिए पराई हो गई हो। उनके इस नए व्यवहार से भी बेला का अलगाव दूर नहीं होता है। बेला फिर भी दुखी तथा परेशान रहती है। घर के वातावरण में बदलाव आने पर भी बेला की समस्या दूर नहीं होती है। पहले बेला कुछ कारणों से दुखी थी, लेकिन अब कुछ अन्य कारणों से दुखी थी। दरअसल बेला सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी, घर का कामकाज करना चाहती थी, वह तो हंसना बोलना चाहती थी। लेकिन इस तथ्य को न तो दादाजी समझ पाते हैं और न ही घर के अन्य सदस्य। धीरे धीरे बेला को घर के सदस्यों का ऐसा व्यवहार चुभने लगता है। पति परेश से भी बेला को कोई सहानुभूति नहीं मिलती है। एक दिन बेला इंदु से किसी भी तरह का उसे काम न करने देने तथा आदर सम्मान करने की बात पूछने पर इंदु बताती है कि दादाजी सब कुछ सह सकते हैं लेकिन किसी का अलग होना नहीं सह सकते हैं। हम सब एक महान वृक्ष की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं लेकिन किसी का अलग होना नहीं सह सकते हैं। उन्होंने हमें समझाया है कि हम आपका आदर करें, हम आपका काम करें तथा आपको पढ़ने लिखने का भी पर्याप्त समय दें। यह सब सुनकर बेला बहुत ही दुखी होती है तथा हैरान भी हो जाती है।
फिर एक दिन बेला को इंदु के साथ काम करते हुए जब दादाजी देख लेते हैं तो दादाजी इंदु पर बिगड़ने लगते हैं कि वह बेला से काम क्यों ले रही है। बेला यह सब देखकर तथा सुनकर असीम पीड़ा से भर जाती है। वह अपनी व्यथा को रोक नहीं पाती है। तब बेला दादाजी के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार करती है। वह रुंधे हुए कंठ से दादाजी से कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते हैं, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। अर्थात यदि बेला को साथ साथ काम करने की सुविधा नहीं दी गई तो वह परिवार रूपी वृक्ष से संबद्ध होते हुए भी जीवन रस से वंचित होकर सूख जाएगी। बेला के इसी कथन के साथ एकांकी नाटक अपनी मार्मिकता बिखेरते हुए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार दादा मूलराज अपने परिवार को अपनी सूझबूझ के साथ टूटने से बचा लेते हैं। अतः यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी एकांकी नाटक है। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से उपेंद्रनाथ अस कृत सुखी डाली एकांकी नाटक का कथानक अपनी स्वाभाविकता से भरपूर है। इसके पात्र काल्पनिक हैं। कथानक देखने में छोटा है किंतु इसके तह में एक बहुत बड़ी मार्मिकता एवं नसीहत छिपी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपेंद्रनाथ अस कृत सुखी डाली एकांकी की कथा वस्तु बिल्कुल विस्तृत न होकर लघु तथा अत्यंत ही सुगठित है। कथानक में शुरू से लेकर अंत तक जिज्ञासा कौतूहल का उच्च भाव है। यह एकांकी अपनी कथा वस्तु में संकलन त्रय नाट्य संधियों तथा कार्य अवस्थाओं का सुंदर निर्वाह दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि कथा वस्तु की दृष्टि से सुखी डाली एक अत्यंत ही सफल एकांकी नाटक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।